हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में रविवार का दिन कुछ राहत भरा रहा। बीते शनिवार को जहां कोरोना के 356 मामले सामने आए, तो वहीं आज 187 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 172 लोग स्वस्थ हुए हैं। रविवार की ये राहत क्या वाकई में राहत देने वाली है? दरअसल रविवार या फिर छुट्टी के दिन सैंपल का आंकड़ा कम रहता है। रोजाना अगर 15,000 सैंपल जांचे जा रहे हैं, तो रविवार या छुट्टी के दिन मात्र 5 से 6 हजार के करीब ही सैंपल जांचे जाते हैं। जाहिर है कम सैंपलों की जांच पर मामले भी कम ही सामने आएंगे। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, या यूं कहें कि हर छुट्टी के दिन ऐसा ही देखने को मिलता है। बीते कई महीनों का रिकॉर्ड उठाकर देखने पर यही पता चलता है कि जब जब छुट्टी का दिन होता है, कोरोना के मामले सप्ताह के और दिनों की अपेक्षा में कम सामने आते हैं। इनमें कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, बल्कि कारण यही है कि हिमाचल में छुट्टी के दिन कोरोना की सैंपलिंग 50% से भी नीचे आ जाती है। चिंता की बात यह है कि बीते सप्ताह एक्टिव केस घटकर 800 तक पहुँच चुके थे, मगर अब 1962 पहुँच चुके हैं। हिमाचल में आज एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले जिला चंबा में सामने आए हैं, जहां 91 मामले सामने आए हैं। वहीं मंडी में 36, हमीरपुर में 23, कुल्लू में 16, कांगड़ा में 11, बिलासपुर में 6, शिमला में 1, सिरमौर में 1, सोलन में 1 और ऊना में भी 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। कुल आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो अब तक हिमाचल में कुल 2,07,887 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2,02,366 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,518 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है।